दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये है पार्ट टू और अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पे, और हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं सर जीएसटी के बारे में। दोस्तों, ये है टॉपिक जो इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है 12 सबसेक्शन 3। दोस्तों, जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो अभी मैंने आपको बताया कि भैया हम देख रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, मतलब हम कब माने कि सप्लाई हुई है। क्या कहते हैं सर ये, क्या कहते हैं हम कब माने कि सप्लाई हो चुकी है? तो दोस्तों, इसी के ऊपर हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे आने वाला है जो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि सर आपका स्टडी मेट ने यहाँ पे डिफाइन किया है 12 सबसेक्शन 3 को, ठीक है सर, और इसी को सर थोड़ा इन्होंने बेयर एक्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सर आपका बेयर एक्ट, ठीक है सर। ये सर जो ग्रीन वाले बॉक्स में है सर, ये आपका बेयर एक्ट है पूरा, जो आपको समझना होता है। अगर आप ये लैंग्वेज लिख पाए तो आप बहुत अच्छी मार्क्स की स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है सर। ये आपका हो गया बेयर एक्ट। इसमें क्या है क्या रहा है सर, मैं वो आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करते हैं। सर ये 12 सबसेक्शन 3 जो है वो है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में, रिवर्स चार्ज के बारे में। सर ये कह रहा है कि रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। ये मुद्दा क्या है सर, रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई हम क्या मानने वाले हैं। सर इस चैप्टर की खास बात बता दूं कि भैया इसमें से 5 to 10 मार्क्स आपका पक्का आने वाला है। एक है सर टाइम ऑफ सप्लाई, एक है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। इसमें से सर दोनों टॉपिक को मिला लूँ तो सर मैं 5 to 15 मार्क्स के लिए 100% श्योर हूँ कि ये आएगा। और सर ये आपके सैटरडे तक सर आपके 10 पार्ट्स या 10 to 12 पार्ट्स के अंदर सर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सर ये टॉपिक बहुत गहराई से करना सर, बस ये रिक्वेस्ट करूँगा। सर इसके अंदर एक चार्ट बनाते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हम, और सर साथ के साथ आप भी अपनी कॉपी में बनाते रहें इसे। सर ये क्या कहता है, इधर जरा सुनिए, ये कहता है कि भैया पहले तो हम उस डेट की बात करेंगे जब हमें गुड्स रिसीव्ड हुआ, ठीक है सर। गुड्स कब क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। रिवर्स चार्ज, सर रिवर्स चार्ज के बारे में आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, बहुत सारे पार्ट में कर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ नहीं करूंगा सर। क्या होता है रिवर्स चार्ज, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि रिसिपियंट को टैक्स देना होता है। क्या होता है सर, रिवर्स चार्ज में रिसिपियंट को टैक्स देना होता है, जिसने गुड्स या सर्विस को लिया उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है सर। जिसमें हमने जागृति का एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा हो शायद आपको, है ना, वही वाला सर, एग्जैक्टली वही वाला। तो सर यहाँ पे एक तो हम पूछेंगे कि भैया डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड क्या है, दूसरा सर हम आपसे पूछ सकते हैं कि भैया पेमेंट की डेट बताओ। क्या बताओ, पेमेंट की डेट बताओ कि डेट आपने पेमेंट कब की। और उसमें भी सर हम आपसे दो चीजें पूछेंगे, अर्लियर, जो कौन सी पेमेंट पहले की। एक पेमेंट में सर हम दो बातें पूछेंगे, एक कि भैया आपने एंट्री कब रिकॉर्ड की, मतलब अपनी बुक में आपने कब लिखा कि आपको सामान मिल गया। ये क्या एंट्री है सर, आपने बुक में कब लिखा कि मुझे सामान मिल गया। और दूसरा सर आपने अपनी अकाउंट की बुक में डेबिट कब किया, ठीक है सर। जो हमने पिछला प्रोविजन पढ़ा था 12.2, उसमें हमने कुछ बोला था क्रेडिट कब किया, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, डेबिट कब किया, क्योंकि वहां पे हम सप्लायर थे, है ना, तो हमने कहा क्रेडिट, और यहाँ पे हम रिसीवर हैं इसलिए क्या कह रहे हैं हम, डेबिट। इस बात का ख्याल रखना है सर, गड़बड़ नहीं कर देना एग्जाम में। और उसके बाद सर ये क्या कहता है कि डेट ऑफ इनवॉइस जब इशू हुआ, डेट ऑफ इनवॉइस जब इशू हुआ उसके 31 दिन के अंदर, उसके 31 दिन के अंदर, 31st day से अंदर अंदर, ठीक है सर, अंदर अंदर हम पूछेंगे कि बताओ डेट या टाइमिंग पीरियड क्या हो रहा है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले सर, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, और इन तीनों में कंपैरिजन करने के बाद जो अर्लियर डेट निकल के आएगी, अर्लियर मतलब जो सबसे पहले वाली डेट होगी, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, TOS, यानी सर टाइम ऑफ सप्लाई। सर इसमें अभी एक बात और है, वो ये कि टाइम ऑफ सप्लाई, लेट सपोज टाइम ऑफ सप्लाई आप ऊपर वाले किसी भी तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो। इस एरो का क्या मतलब है सर, ऊपर वाले किसी भी तरीके से आप नहीं निकाल पा रहे हो, आप कहिए सर कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम ना पता नहीं लगा पा रहे ऊपर वाले तरीके से कि हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो क्या होगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम ऊपर वाले तरीके से पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया एंट्री ऑफ गुड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम कहेंगे कि भैया ये बता दो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब हुई,
ठीक है सर। अब इस बात को समझने के लिए ये जो आपने मेरे साथ लिखा है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ स्टडी मटेरियल के। सर इसी बात को सर मैंने अपने एक पैराग्राफ के अंदर इतने में ही निपटा दिया है सर, ठीक है सर, वर्डिंग के साथ। अगर आपको ये चाहिए हो, अगर सर आपको ये चाहिए हो तो आपको ब्रॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा सर। ब्रॉडकास्ट का एक है टेलीग्राम पे ग्रुप, उसका सर लिंक मिल जाएगा, और वो सर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट लिंक, या फिर सर कमेंट बॉक्स में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, आपको ये लिंक यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड होते ही दे दूंगा, ठीक है सर। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, यहाँ मैं फ्री डाल देता हूँ सर ये पीडीएफ। पीडीएफ नहीं डाला तो सर स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर आप कभी स्क्रीनशॉट देते हो कभी पीडीएफ देते हो, ऐसा क्यों सर? इसका रीजन बता दूं, कुछ सर चोर चमारे लोग होते हैं। चोर चमारे मतलब जो अपनी मेहनत नहीं करते दूसरों को कॉपी करते हैं, तो वो क्या करेंगे सर इसी पीडीएफ में थोड़ी सी एडिटिंग करके कहेंगे ये लो भाई इसकी इस टीचर की बुक आ गई। तो सर इसीलिए मैं सारे पीडीएफ नहीं दूंगा, कुछ के स्क्रीनशॉट दूंगा। फायदा बस ये होगा कि आप अपनी कॉपी में इसका डायग्राम इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह को यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इतने छोटे में इसको निपटा दिया है सर कलरफुल करके। तो ये आपको अपनी कॉपी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है सर, बस इतने ही इसका काम है, इससे ज्यादा मैं आपको ये अभी नहीं देख सकता, ठीक है। और सर यहाँ पे इस पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दूं मैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सर इससे, और मैं सर श्योर हूँ इससे आपके 5 to 15 marks के क्वेश्चन सर एग्जाम में आने वाले हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर। सर ये देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर क्या दिया हुआ है आईसीआई ने, इन्होंने कहा भैया कि मई 4 को इन्होंने कहा कि हमने सप्लायर को इनवॉइस गुड्स दिया, ठीक है, सप्लायर को इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस, यानी भैया हमें कोई ऐसा गुड्स मिला है जो रिवर्स चार्ज इस पे लगता है और उसकी डेट है मई 4, ठीक है सर। और उसके बाद क्या कहते हैं भैया, इसके 30 दिन खत्म होने होंगे जून 3 को, यानी हमारे लिए टैक्सेबल डेट क्या हो जाएगी सर, 4 जून। ये कहाँ की बात है, तो इसको मैं डायग्राम में फिल करके दिखाता हूँ, ये देखो ये सर कहाँ की बात है, जरा देखो ये सर यहाँ की बात है कि ये कौन सा मई कह रहा है सर, ध्यान से देखो, ये सर कह रहा है 4 मई, 4 मई को ये बात कर रहा है। तो सर 4 मई अगर यहाँ पे है तो वो कह रहे हैं 30 जून यहाँ पे तक, मतलब 30 दिन यहाँ पे लग जाएंगे, तो 3 जून तक हमारे सारे पीरियड खत्म होगा, यानी आपको 4 जून को ये वाली डेट निकल के आएगी, मतलब इसका 31st डे कौन सा हो जाएगा, 4 जून। इसी के बाद सर इसमें ये क्या कहता है कि जुलाई 12 को पीलर एंड कंपनी रिसीव द गुड्स, ठीक है सर, तो रिसीव द गुड्स के कॉलम को हम क्या यहाँ पे फिलफिल कर देते हैं, और वो क्या है सर 12 जून, क्या है सर 12 जून है ना, 12th of June, ठीक है सर। उसके बाद पेमेंट मेड फॉर द गुड्स July 3, 3rd of July, ठीक है सर। तो उन्होंने 3rd जुलाई को क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, विच एवर इज अर्लियर, तो सर 12th जून को देखिए, 3rd को देखिए सर, 3rd को इन्होंने पे कर दिया, या फिर आप इसको देखिए कि विच एवर इज अर्लियर आपका 4th जून, तो 4th जून अर्लियर है, 3rd जून अर्लियर है, या 12th जून अर्लियर है। अब सर स्टडी मटेरियल के आंसर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि भैया इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा 31st डे वाला रूल लग जाएगा जो सबसे पहले पढ़ रहा है, ठीक है सर। तो इस केस में सर ये था 3rd जुलाई, तो सर 3rd जुलाई अर्लियर है, 12th जून की वो बात कर रहा है यहां पे, ये अर्लियर है, या फिर 4th जून अर्लियर है, शायद ये सर 12th जुलाई लिखा है यहां पे, जून 12 को इन्होंने रिसीव किया, विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट। सर यहाँ पे एक वर्ड और ध्यान दीजिए कि मैं जून 12 को क्यों नहीं ले सकता, सर ये बड़ा लॉजिकल है, यहाँ पे सर स्टार लगाइए कि मैं 12 जून को क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया ट्रांजिट में है, क्या है ट्रांजिट में है, और मेरा वर्ड यहाँ पे क्या है, गुड्स रिसीव्ड, मुझे मिला कब, तो भैया ये मिला कब वाला तो प्रोविजन लगा ही नहीं ना, नहीं समझे आप, मैं 12 जून को ही लेता, लेकिन वो क्या कह रहा है ट्रांजिट में है, रास्ते में है, अगर रास्ते में है तो मिला नहीं, मिला नहीं तो ये वाला प्रोविजन लगा ही नहीं, इसलिए 12 जून को मैं नहीं ले सकता, ठीक है सर। तो बात आई 3rd जुलाई एंड 4th जून, तो विच एवर इज लिए सर 4th जून वाला प्रोविजन लग जाएगा ये वाला, तो वहीं पे इन्होंने यही डिस्क्राइब किया है सर यहाँ पे, हेयर जून 4 उन्होंने बताया कि कैसे आएगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सर, एग्जाम इलस्ट्रेशन 3, वो कहते हैं भैया मई 4 की अगर हम बात करें तो 30 डेज के अंदर आपका हो जाएगा, यानी 4 जून इसमें भी आ जाएगा सर, इसमें मई 12 और मई 13। तो सर अब इसमें आप खुद से सोचिए, मई 12 अर्लियर है, मई 13 अर्लियर है, या 4 जून अर्लियर है, तो आपको दिखाई देगा
कि भैया इसमें मे 12 अर्लियर है ना, तो वही आंसर दिया इन्होंने मे 12। तो सर इसी के साथ ये पूरा खत्म हो जाता है, बट मैं आपको बेयर एक्ट एक बार जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना बेयर एक्ट पढ़े आपने जीएसटी तो पढ़े ही नहीं ना सर, फिर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। सर क्या कहता है बेयर एक्ट, जरा ध्यान से सुनिए। बेयर एक्ट कहता है इन केस ऑफ सप्लाई, सप्लाई के केस में जहां पे पेड और पेबल, पेड मतलब पे कर दिया और लाइबल टू बी पेड मतलब मैं हम पे करेंगे, कैसे सर, रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर, तो भैया टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा तो बताया, तो ऑन द डेट ऑफ रिसीप ऑफ गुड्स। तो सर इलस्ट्रेशन 4 में क्या होता है, गुड्स इन ट्रांजिट था इसलिए ये प्रोविजन नहीं लगा था। उसी बाद उन्होंने कहा डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट में भी सर विच एवर इज अर्लियर, किन दो चीजों की सर, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट या इन हिज बैंक अकाउंट, मतलब कि डे विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट मतलब उसके बैंक अकाउंट में डेबिट कब हुआ। ठीक है सर, तो इसका भी हमने डायग्राम बनाया था अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि भैया डेबिट कब हुआ बैंक में, सॉरी ये वर्ड बुक्स की जगह बैंक होना चाहिए। अब ठीक है सर, और उसके बाद सर यहाँ पे ऊपर वाला है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्होंने रिसिपिएंट की एंट्री कब डाली, इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है सर, तो इसमें ये दो प्रोविजन थे, हल्का सा लिखते समय मैंने गलती कर दी, एंट्री रिकॉर्ड कर दिए सर बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर बैंक में एंट्री कब हुई, मतलब इसमें सर क्या हुआ, बैंक की एंट्री की बात की गई और बुक की एंट्री की बात की गई, तो बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर को हम क्या कर देंगे सर, पेमेंट के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद सर इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, इन्होंने सर इसके बाद सी में कहा था डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। ठीक है सर, 30 दिन के बाद यानी हमारा 31वां दिन जो होगा हम उसको मान लेंगे। ठीक है सर, 30 डेज के बाद जो 31वां दिन होगा, तो सर मैंने स्केच में क्या बताने की कोशिश की कि 30 डेज के बाद जो 31वां दिन आएगा, 31st डे आएगा, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो सर 31st डे का मतलब ये नहीं 31st डे, 31st डे को तो हम कंसिडर करेंगे, यानी 30 दिन को छोड़ो, उसके बाद जो अगला दिन होगा उसको कंसिडर करो। ठीक है सर, तो इस पार्ट में इतना ही, फिलहाल चलते हैं सर, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और सर जाते जाते कहूँगा सर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो सर कर लेना, ये आपको गिवन है सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो सर लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, मूड हो तो करना वरना मत करना, लेकिन रेगुलर सर वीडियो जरूर देखें, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले सर सब कुछ कर लें, ताकि एग्जाम का रिजल्ट हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी हुआ तो आप पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है सर, चलता हूँ, इसी के साथ दुआओं में शामिल रखना, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।